तो कोटद्वार के लोगों की तो मांग आपने देख ली, अब आपको लिए चलते हैं पिथौरागढ़ के हुड़ैती गांव में। और ये गांव उत्तराखंड के ऐतिहासिक गांवों में शुमार है। इस गांव का देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा है और इस गांव में कई स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं। वहीं कांग्रेस का कार्यालय भी आजादी के वक्त बनाया गया, जबकि गांव में जिले की पहली लाइब्रेरी स्थापित की गई। लेकिन इसके बाद भी ये गांव विकास की बाट जो रहा है। हमारे संवाददाता कोमल मेहता ने ग्रामीणों से उनके मुद्दों पर चर्चा की। पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक गांव हुड़ैती में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। इस गांव का इतिहास एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ रहा है, राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ इस गांव का इतिहास रहा है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हुड़ैती गांव की अगर हम बात करें तो जिला मुख्यालय से नजदीक एक गाँव आता है। सड़क की आज भी आप मेरे को लगता है कि यहाँ पर समस्या है। आप लोगों को पैदल अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सब कुछ सुविधा संपन्न होने के बावजूद, इतना सशक्त इतिहास होने के बावजूद विकास से इतना दूर कैसे रह गया ये गांव? अब ये तो मतलब जो है कोई बजट का रोना रोता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसके लिए नहीं पैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये अलंग फलंग सब इसी कारण जो है ये गांव पिछड़ा हुआ है। जबकि बच्चे जो है पढ़े लिखे एक से एक है, पोस्ट ग्रेजुएट है। क्या कहें बाब, मुसीबत ही मुसीबत है, गाड़ी की मुसीबत है, और क्या कहते हैं, हम तो ये बुढ़े लोग हैं, टूटे फूटे लोग हैं, बच्चा ये बेरोजगार है, बहु पढ़ी लिखी है बेरोजगार है, और क्या बताएं। देखिए, जिला मुख्यालय के नजदीक होने के बावजूद भी अभी तक सड़क न आना, दोष आप किसको देते हैं? दोष नेता लोगों को है। आते हैं, अपना अपना वादा करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई पीछे मुड़ के देखता नहीं है। नहीं, इस बारे में मेरा तथ्य है कि नंबर एक तो जमीन की हम शहर के नज़दीक हैं, इस हिसाब से जमीन देने के लिए और विधायक नीति से हमारी रोड कट चुकी है यहाँ तक आधे रास्ते तक, तो ऊपर को कटना मेन वही है समस्या की जमीन कोई देना चाहता है नहीं, सुविधा सबको चाहिए। होता है कि सरकार भी कई चीज़ की तरफ ध्यान भी देती है तो, लेकिन कई चीज़ें हमारे हो सकता है कि जन जुड़ाव की वजह से भी छूट जाती हैं। हमारा आपसी जो सामंजस्य है, चाहे नेता लोगों के साथ हो या हमारे अपने आपस का सामंजस्य हो, तो उनमें कुछ कमियां रहती हैं, तो उससे भी थोड़ा सा विकास में कमी तो आती है। आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपने चुनाव देखे हैं, राजनीतिक दल के जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनके वादे आपने सुने हैं। हुड़ैती गांव की हम बात कर रहे हैं, इतना सशक्त यहां का इतिहास रहा है, विकास की जो मुख्य धारा है वहां भी न जुड़ पाने के पीछे आपको क्या कारण लगता है? कारण यही है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो वादे करके उसके बाद कभी आते हैं, उनके पास जाओ तो कोई नज़दीक नहीं आता, कोई घर के अंदर बैठा है तो बाहर नहीं निकलते हैं। अपनी समस्या बता, कब तक कहाँ को बताएं? तकरीबन सभी नेता लोग आते हैं अपने अपने लिए, जब भी किसी ने भी आज तक कोई अपना वादा पूरा नहीं किया है और न आगे को करेंगे। अब हमारी यही वो है कि नेता आए, अब वोट देना हमारा फर्ज है, लेकिन अपने तरीके से वोट दिया जाएगा। महिलाएं हम लोगों के साथ में है, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, किस तरीके से आप लोगों का पालन पोषण बच्चों का करते हैं? एक हुआ थोड़ा गाय वाय से। आज भी पूरी गांव की एक तरीके से जो आजीविका है वो कहीं ना कहीं जो गाय है, मवेशी है, उनके ऊपर टिकी हुई है। हम खेती बाड़ी भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, लेकिन हमको लाभ कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी करते हैं लेकिन बोते बाद में है, ना बारिश होती है ना कोई, तो पैसा ही पैसा जाता है हम लोगों का। और गाय बच्चे आके हमारे अंदर से भी खा के जाते हैं, यहाँ से कहाँ बाहर से, अंदर से भी, जिनका एक मंजिला मकान है अंदर भी घुसने को तैयार है। जंगल है नहीं, और नेता लोग आते हैं, आने के बाद वादा करते हैं, 5 साल बाद फिर उनको याद आ जाती है गांव की, गांव में क्या करना है, फिर भूल जाते हैं। आज खाना खाया वो कल भूल जाते हैं कि कल हमने यहाँ से खाना खाया था, इससे ज्यादा हम क्या कहें। मेरे सास बिस्तर में बैठी है, सब आते हैं, कहते हैं हम इसकी पेंशन लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ करके नहीं जाते हैं। उस समय तो वोट और मांगने के लिए आ जाते हैं, कितने तोहफे वोफे दे के जाते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं। खेती भी करता है तो आदमी बंदर आ रहे, उसकी भी समस्या है, हजार प्रकार की समस्या है, लेकिन उन्होंने कोई वादा एक वादा पूरा नहीं किया। करनी चाहिए व्यवस्था बंदरों के लिए, सुअरों के लिए, फसल बर्बाद कर जाते हैं, आदमी पैसा देता है बोने के लिए हजारों रुपया,
लेकिन वो सब बर्बाद हो जाता है। जिस तरीके से लगातार लोगों को ये लगता है, क्योंकि हम हुड़ीती गांव के बीच में हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, देश आजादी के आंदोलन की बात हो, राज्य प्राप्ति के आंदोलन की बात हो, इस गांव का जो अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, भूमिका रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। जिले की अगर हम इतिहास की बात करें तो हम ऐतिहासिक स्थल पे खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, बावजूद उसके उनके विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है हुनेती की क्या प्राथमिकता है जो हुक्मरान पूरा नहीं कर पाए? कम से कम इस ऐतिहासिक गांव में जो 1942 में जहां पहले पुस्तकालय पिथौरागढ़ की हुआ करती थी, जहां पर गांधी कांग्रेस का पहला जो है कांग्रेस मुख्यालय जिस आंगन में हम खड़े हुए हैं, तो उसकी उपेक्षा जो है अभी लोगों ने बताया, और निरंतर जो है केवल बोर्डबाज तरीके से इस गांव का भी जो है शोषण किया जाता रहा, मेरा ऐसा मानना है। हुनेती गांव के लोगों को ये लगता है कि इतिहास के पन्नों में जिस तरीके से ये गांव दर्ज है, क्या 2017 में जिसकी भी सरकार बनेगी इस गांव के इतिहास को दुनिया के सामने लाने की कोशिश होगी?